Okay, guys. Is it fine? Now the thing is, what I did, मैंने इस क्यूब को ना वर्टिकली डाउनवर्ड कर दिया इधर ऐसा. तो ये मर्क्यूरी कॉलम है. मुझे पता करना है कि इस एयर कॉलम का लेंथ कितना होगा. एंड आई हैव अ गैस इंट्रैप्ड देयर. टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. ट्राई करोगे अच्छी तरह. एक क्वेश्चन यस बहुत अच्छा है. देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले ना एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो ताकि तुम्हारा ब्रेन थोड़ा सा वार्म अप हो जाए. ये टेस्ट ट्यूब है. दिस इज अ गैस. सर, दिस इज वो एच जी का लेंथ 760 mm में ना, दूसरे हाँ वाले उसमें भी ना, 76 सेंटीमीटर. हाँ, और इसमें दूसरे वाले जो कॉलम है जो आपने बनाया, दूसरा वाला टिल्टेड वाला, उसमें भी सेम है ना? हाँ दोनों सेम ही है, इन्वर्टेड है दूसरा। ओके okay. अब सुनो, ये गैस वन है, ये गैस टू है. एंड मुझे ना गैस टू का प्रेशर बताना और गैस वन का प्रेशर बताना. तो एक बात बताओ, गैस टू का प्रेशर कैसे पता लगेगा. मुझे बताओ कि इस मर्करी का हाइट कितना है. मुझे 38 सेंटीमीटर, कितना लग रहा है, 78 सेवेंटी 76. सिक्स सेंटीमीटर तो 76 यहाँ पे प्रेशर होगा वो 76 + 38 कितना आएगा. 1.5 atm। वेरी गुड. दैट इज हाउ मच. 100, 1.5, 114 140 और 114 114 ना. हाँ सर, वही बोला सर। ओके, 114 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये गैस है तो हर जगह प्रेशर कितना आ रहा होगा इस पे. 114 बिकॉज हर जगह वो इक्वल प्रेशर डालेगा. यस तो इधर सर, प्रेशर कितना लग रहा है, 114. तो इस गैस का प्रेशर कितना होगा. 2 atm, ये 114 है प्लस 38 कितना आएगा. 2 atm, 76, 152, गेटिंग इट. किसी यस सर, को, किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर. P इज इक्वल नो टू सर, P प्लस एच रो जी. P इज इक्वल टू P प्लस एच रो जी. कोई डाउट. नो सर, अच्छा, आप मुझे इसका आंसर दो. शौनक जीरो कैसे सर यार. मैंने आपको मैसेज किया हाँ शौनक, नहीं है वो आंसर सही. कैसे सर, मतलब पॉसिबल, कैसे हो. हाँ, बट हाँ बट वॉट. हाँ बट मैंने सर आ तो सही रहा है। क्या कहा था, ये अच्छा क्वेश्चन है. राइट. हाँ सर, अच्छा गाइस, ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक सर बट टेक्निकली अगर वो करेंगे तो वही आना चाहिए ना आंसर। है. टेक्निकली वो नहीं आएगा आंसर. टेक्निकली अरे सोचो के तो वो नहीं आएगा. ठीक सर, है. हाँ वो 760 सेंटीमीटर के नीचे कितना सेंटीमीटर है? वो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर. तो टेक्निकली वो नहीं आएगा बेसिकली. सर 760 सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर? 760 मिलीमीटर है भाई, 76 सेंटीमीटर। ओके सर, सेंटीमीटर. वो एच जी के बारे में पूछा। हाँ, जी 76 सेंटीमीटर. एंड दिस ओके गैस कॉलम इज 100 सेंटीमीटर. ओके सर, सेम टेम्परेचर में इसको उल्टा कर दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने. एल आ गया मतलब, बट सेंस नहीं बना रहा। ठीक है सर, आ गया, मैं लिखता हूँ आपको। चलो गाइस, पहले तो मुझको ये बताओ कि इस गैस का प्रेशर कितना होगा. सर 400 आएगा क्या? व्हाट आई एम सेइंग इज, इस गैस का प्रेशर कितना होगा. 400 गैस का, 280। इस गैस का प्रेशर कितना आएगा.
टू एटीएम टू एटीएम तो इस गैस का प्रेशर हमारा 2 ATM है, सबके पास ये आया। सोचो अगर मैंने इस ट्यूब को उल्टा किया तो आप तुम्हारे हिसाब से नीचे की तरफ कितना प्रेशर लग रहा है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। वेरी गुड, 76 सेंटीमीटर। अच्छा तो मर्करी का जो प्रेशर लग रहा होगा नीचे कितना लग रहा होगा? अगर यही कंडीशन सर इस तरह से तो हाइट इनफिनिटी हो जाएगी। अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो पहले क्या नहीं होगा, इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 76। अगर 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 इसका भी प्रेशर काउंट होगा तो ये दोनों मिला के 1 ATM से ऊपर होगा कि नहीं होगा? क्या ये मर्करी जो है वो क्या पूरा का पूरा 76 इसके अंदर रहेगा कि कुछ बाहर निकलेगा उसके बाद? बाहर चला जाएगा सर, बाहर निकलेगा सर। दैट्स व्हाट माय मेन कंसर्न इज। पता है क्या, जब तुमने इसको उल्टा किया ना तो थोड़ा बहुत मर्करी नीचे निकल गया, लेट्स से कितना मर्करी बचा? इतना समझ में आया क्या बोला मैंने? ऊपर 76 प्रेशर लगा रहा है, ये गैस भी नीचे प्रेशर लगा रहा है, तो ये टोटल प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो मर्करी होल्ड होगा कि नीचे की तरफ गिरेगा? गिरेगा। तो पता है क्या, गिरते 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 लेट से एक्स हाइट मर्करी की बच गई। कोई डाउट इसके अंदर? हाय मानी सर। हाँ बेटा सर, मर्करी का सरफेस टेंशन नहीं होगा सर? बेटा तेरी आवाज नहीं आई ढंग से, बता सर। मर्करी का सरफेस टेंशन नहीं होगा? मर्करी का सर वो पूछ रहा है, मर्करी का सरफेस टेंशन नहीं होगा क्या? अरे वो होने दे ना, क्या दिक्कत है सर? तो फिर मतलब चांस है कि वो नहीं गिरेगा? वंस अगेन, क्यों जब प्रेशर ऊपर से और खुद का प्रेशर अगर ऊपर वाले फोर्स से ज्यादा लग रहा है तो नीचे नीचे वाला फोर्स ज्यादा है ना ऊपर वाले फोर्स से, सरफेस टेंशन कितना ही होल्ड कर लेगा उसको? आई हैव टू बैलेंस फाइनल फोर्स की नहीं? यस सर। हाँ तो मानिश बता कि ये जो मर्करी है कि एग्जैक्टली इतना ही रहेगा ये कुछ नीचे गिरेगा? ऐसा गिरेगा। अब गिरेगा तो कितना बच गया 76 में से? एक्स। तो यहाँ पे लेंथ कितना बच गया? 76 minus 6 plus 400 minus 6। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। अब एक बार बताओ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1V1 = P2V2 होगा? यस सर। हां सर। P1V1 = P2V2 लेंगे और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। तो P1 इनटू एरिया इनटू L1 = P2 into area into L2। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। ए से ए गया, व्हाट द प्रेशर ओवर हियर? दैट इज 152 into L1, L1 इज 100 सेंटीमीटर, विल बी इक्वल टू P2 into 400 minus x सेंटीमीटर। कोई डाउट? नो सर। तो P2 कितना आएगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दोनों का प्रेशर, P2 वाला जो प्रेशर है और मर्करी की हाइट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, ये दोनों 76 सेंटीमीटर को बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। और बेसिकली प्रेशर भी सेंटीमीटर में ही लिया ताकि मैं डायरेक्टली सेंटीमीटर के साथ बैलेंस कर सकूं, करेक्ट? हाँ सर। तो 152 into 100 by 400 minus x plus x should be equal to 76। अरे ये वाला प्रेशर प्लस ये वाला, यस सर, यस सर, फाइनली है कि नहीं?
उसके बाद क्या आएगा तुम्हारे पास, 152 इंटू 100 प्लस 400 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 76 इंटू 400 माइनस 76 एक्स. कोई डाउट? एक्स स्क्वायर माइनस 476 एक्स, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, प्लस प्लस और माइनस, वन सेकेंड, प्लस इक्वल टू जीरो. कोई डाउट? नो सर. गेटिंग दैट पॉइंट? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी. सर आपने 76 इनटू 400 मिस कर दिया शायद. बेटा 76 इनटू 400 इसको यहां लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा. ओके हां सर. तो 76 इनटू 4 इज 150 का डबल. यस सर. तो बचेगा इतना ही ना. अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी. माइनस b दैट इज 476x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac. ए b square minus 4ac करना कैलकुलेटर में कितना आता है? 476x क्यों आएगा? बेटा इसको यहाँ लेके गए ना, इसको यहाँ लेके गए, इसको यहाँ. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सर रूट्स निकाल रहे हैं ना तो x कैसे आएगा? हाँ 476 प्लस माइनस क्या आएगा? x नहीं आना चाहिए था. b square minus 4ac कितना आएगा? b square 226576 है. क्या 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 है? 226576 माइनस 4ac करना. सर टोटल जो रिजल्टेंट आ रहा है वो अंडर रूट ऑफ 165776 आ रहा है. एक मिनट रुक जा, रुक जा. 2a 476 प्लस माइनस इसका कितना आया? अंडर रूट क्या सर? अंडर रूट की टोटल वैल्यू जो फाइनल आई वो 407.15 आ रही है. रूट हटा दीजिए सर, ऐसे ही लिखते हैं. हां सर 407.15 है बाय टू. करेक्ट? हां सर. तो प्लस लूं या माइनस लूं? प्लस लूंगा. माइनस लीजिए. क्रेडिट से ज्यादा आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है. राइट? हां सर. तो 476 माइनस 407.15 कितना आएगा? 407 ही ले लो. 476 माइनस 407 कितना आया? सर 69 बाय 2 कितना आया? 34.5. तो भाई साहब x की वैल्यू कितनी आई? 34.5. और ये जो लेफ्ट कॉलम आया वो कितना आ गया? सर 400 माइनस 34.5 दैट इज इक्वल टू 300. सर 355.5. 355 सर. वो P2 को आपने किससे रिप्लेस किया और कैसे किया? बेटा मैंने क्या बोला था कि P2 का जो फाइनल हाइट होगा 400 माइनस x होगा. करेक्ट? यस सर. अगर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ तो P1 V1 कितना हो जाएगा? 152 इंटू 100. हाँ सर वो समझा, सिर्फ ये वाला. कितना आया? इतना आया. That is the word. This is P2. So, मैंने कहा P2 plus x should be equal to 76 centimeter. Sir, पर x अच्छा हाँ. x ही लगाएगा ना मर्करी तो है तो. हाँ. तो x सेंटीमीटर मर्करी का लग रहा है, 76 सेंटीमीटर मर्करी का ऊपर लग रहा है. इसका मर्करी की टर्म में निकाल लिया हम लोगों ने. तो this plus this should be equal to 76. हाँ सर. समझ रहे हो? मतलब 76 सेंटीमीटर और मर्करी में से कितना बचा? सिर्फ 34.5. मतलब बाकी का निकल गया ना. यस सर. मैंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो मुझे 364.5 आ रहा है. 364.5 है ना? ये सही है ना? तो पढ़ना था ओके सर.
सर बट यूजुअली जब हम लोग ये क्वेश्चन करते तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि नीचे का जो मर्क्यूरी है वो स्पिल आउट नहीं हो रहा है ना, मैंने क्यों बोला एक क्वेश्चन थोड़ा हटके सर, पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा ना हटके थोड़ा। हाँ सर ऐसा हटके तो जेई में तो नहीं आना सर। अरे तुमने एनालाइज किया ना, जब तुमने एनालाइज किया कि टोटल जो प्रेशर आया वो एक्चुअली एक एटीएम से ऊपर आ रहा, तो मर्करी को बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। हाँ तो उसके हिसाब से तुमने दूसरी कंडीशन उठाई, अदरवाइज आंसर कैसे आता मुझे बताओ, लॉजिकली वो आंसर सही नहीं रहता। जैसे मेरा आया था। हाँ ऑब्वियसली। हाँ सर वो जीरो आ रहा था पहले। हाँ आएगा ही जीरो अगर ऐसे करोगे तो। गाइस अंडरस्टूड? यस सर। तो शैल आई रैप दिस नाउ, लाइक शैल वी मूव अहेड नाउ? यस सर। लिख लिया तुमने जो लिखना था? एक मिनट सर। हाँ हो गया सर। ग्रेट। Which of the following graph is correct? Again, fine. A. N1 T1, N2 T2, N3 T3. जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना तो आइसोथर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। तुम्हें ये बताना है कौन कौन सा ग्राफ सही है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आल्सो। सर मल्टीपल करेक्ट है क्या? ये ज्वाइन नहीं करेगा बिकॉज 1/V जीरो होगा तो वॉल्यूम इंफिनिटी हो जाएगा गाइड, तो ये ज्वाइन नहीं कर रहा। ठीक है
सर आपने आइसोथर्म का मीनिंग क्या बताया था? आइसोथर्म का मतलब होता है जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना किसी भी एक ग्राफ के लिए. फॉर एग्जांपल ये इस ग्राफ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, यस सर, तो उसको आइसोथर्म बोलेंगे. ठीक है, सर कितने ऑप्शन है देखते ना, जितना बनता है उतने बना देते हैं, क्या है उसमें. अरे अरे क्या दिक्कत है. नहीं सर, एक मिनट के लिए डी ऑप्शन दिखाएंगे प्लीज. हाँ बेटा एक मिनट. सर करेक्ट बताने हैं इनकरेक्ट? करेक्ट. हाँ सर कई बार होता है. करेक्ट बताने करेक्ट. हाँ ये तुमने ड्रॉ किए ये? यस गुड सर. सीडी सर डीएक्स. जब नहीं दे रखा होता ना कैल्विन तो मतलब कैल्विन ही होता है. डोंट कंफ्यूज दैट. सर आपने टी का ग्राफ दिया और अच्छा सर भी रहेगा. हाँ नो क्या सर. सर कितने ऑप्शन है बनाने दे पहले, उसके बाद देखते हैं कितने ऑप्शन हैं. आई आल्सो डोंट नो सर. टी सेल्सियस क्यों सर? हाँ वो डिग्री सेल्सियस सर. सर डरा. केल्विन में चीजें अच्छी लगती है सर. अपना बॉडी टेम्परेचर भी केल्विन में ही देखते होगे ना तुम आजकल. बॉडी टेम्परेचर नहीं सर, वो तो फारेनहाइट और सेल्सियस में आता है, उसको फिर केल्विन में कन्वर्ट करता हूं मैं. हां सर देखो मेरे एक डॉक्टर को जानता हूं, अच्छी है. हां सर ठीक है. गलत जगह. ए तुमने ये कॉपी कर लिया तो चारों सर. लास्ट का लास्ट पार्ट सर एच कर रहा हूँ. चलो करो कॉपी करो सर. एकदम थोड़ा सा नीचे लो ना. एकदम थोड़ा नीचे. वो नीचे वाली लाइन. हाँ वही.
आगे चले। सर बस एच तक ही मतलब अच्छा है सर, प्लीज आगे मत बढ़ाइए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं आगे बढ़ाने का। सर आज जेड तक ही दे दो सर। देखो देखते हैं देना है कि नहीं देना। सर वो सारे T1 ही है। हाँ काफी है, बता दो ना, लिख लो इनको। लिख लिया। गाइस लिख लिया। नो सर ठीक नहीं। सर थोड़ा ऊपर जाएंगे क्या? ABCD के आसपास। ABCD के आसपास। हाँ सबने लिख लिया इतना। यस यस सर। थैंक यू सर। चलो एक एक पकड़ के खत्म करते हैं इसको, ठीक है? सर आपको भेजा है मैंने। हाँ आपको मैंने मैसेज पे भेजा है। ठीक है देखता हूँ। ठीक है बेटा विल चेक इट आउट पार्ट, देखते हैं इसको। सोनक देखते हैं क्या क्या आंसर है। चलो शैल वी चेक देम वन बाय वन, या तुमको टाइम चाहिए? थोड़ा टाइम लो, लो टाइम लो।
सर एच में रिलेशन क्या दे रखी है? एच के अंदर रिलेशन क्या दे रखा है? वन सेकंड, हो गया सर, आया थे आंसर आया? यस सर। ओके श्रावणी, व्हाट अबाउट यू, गॉट द आंसर? नो सर, फाइंडिंग इट। नाउ आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक और व्हाट? नो सर। ओके कूल, जस्टिस अपीयर दैट यू आर लुकिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। What, sir? I said your gesture says that you don't listen to the music. You're listening to the music. No, sir. Okay, cool. Tell me the answer. I have to answer them. I got answer from 3 kids right now. Okay, come to this first part. Tell me, this is correct or incorrect? Correct, sir. Correct. Correct, sir. Correct. Correct, sir. Equal to nRT, right? Yes, sir. So that means if nNT are constant, so P will become equal to nRT by V. So this is constant, so P is equal to K by V. So P is equal to V वाला ग्राफ क्या रहेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? Yes sir. Yes. Y is equal to pi by x वाला जो ग्राफ रहेगा, that is rectangular hyperbola, right? Yes. So I'll get this rectangular. Just tell me one thing. If n and t are greater, so what about p value with respect to v? Okay. So the volume को fix. तो n and t बढ़ रहा है, p बढ़ रहा है, correct? If I say that I have a fixed volume, तो इस volume पे ये pressure p1 है, ये pressure p2 है, ये pressure p3 है. Tell me, volume fix रखोगे, तो pressure कब बढ़ेगा? Number of moles temperature बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए? बढ़ने चाहिए. बढ़ने चाहिए. हाँ तो बढ़ने. p3 और n2 t2 और n1 t1 में ज़्यादा बड़ा कौन सा? N3T3. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. B part. PV versus V, NNT are constant. So PV is equal to NRT, right? If NT are constant, R is constant, so PV will become constant, right? Yes, sir. तो पीवी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो पीवी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी कि नहीं होगी? कॉन्स्टेंट. प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और आई प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, इफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर कॉन्स्टेंट, सो पीवी वैल्यू विल बिकम कॉन्स्टेंट, यस सर नो? यस सर. वेरी गुड. नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ एन एंड टी आर बिगर, तो पीवी वैल्यू विल बी बिगर और स्मॉलर? बिगर. N3T3, N2T2, N1T1, which will be bigger? Sir, N3T3. N3T3. सही है ना? No sir, it compulsory नहीं है sir. Individually नहीं कह सकते ना हम लोग. हाँ sir. One second. N3 is greater than N2, right? Yes sir. N2 is greater than N1, right? Yes sir. T3 is greater than T2, right? Yes sir. T2 is greater than T1, right?
Yes, sir. तो बफून T3 N3 मल्टीप्लाई टुगेदर विल बी T2 N2 नो सर बट ऐसा भी हो सकता है ना कि N3 N2 से छोटा हो बट T3 T2 से बहुत ज्यादा बड़ा हो तो फिर भी ग्राफ ज्यादा ऊपर ही आएगा यस सर वन सेकंड दे आर इंटीजर्स दे आर पॉजिटिव वैल्यूज राइट हां सर नंबर ऑफ मोल्स कैन नेवर बी नेगेटिव आई गेस यस सर टेंपरेचर भी केल्विन में तो नहीं होगा यू टेल एनीथिंग If N3 is greater than N2, T3 is greater than T2, then T3 and N3 should be greater than T2 and N2 or not? Yes, sir. अरे आदित्य सर बट सपोज अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 अगर 2 मोल्स और N3 अगर 1 मोल एक काम करते हैं N2 ले लिया 2 मोल्स ठीक है N1 ले लिया 1 मोल सर कितना अच्छा नहीं N1 हाँ 1 मोल ले लीजिए सर ले लिया आगे सर N3 को 1.5 ले लीजिए अच्छा 1.5 क्यों लूंगा N3 N2 से बड़ा है ना अरे सर हाइपोथेटिकली अगर आप लेंगे उसे अरे यार बड़ा है ना तो कैसे बड़ा है नहीं लूंगा ना हाइपोथेटिकली भी बड़ा ही लेना पड़ेगा सर N और T का जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो ग्रेटर रहेगा ले सकता मुझे नहीं समझ में आ रहा सर अरे यार N3 जब बड़ा है N2 से N2 बड़ा है N1 से T3 बड़ा है T2 से T2 बड़ा है T1 से तो T3 तो T2 से बड़ा ही है N3 N2 से बड़ा ही है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन N2 और T2 से बड़ा ही होना चाहिए ना सर बट हमने ये रिजल्ट क्वेश्चन पूछा हमने रिजल्ट तो N3 का मल्टीप्लिकेशन ही आना हमें रिजल्ट ये थोड़ा ना है हमें तो पहले N * T का रिजल्ट आया तो हम उससे इसे कैसे डिराइव कर सकते सर आप P3 N3 के लिए अगर वैल्यूज ले लोगे जैसा 864 ले लिया तो फिर वैसे वो आप बोल थोड़ी सकते हो फॉर श्योर हाँ वही सो अच्छा वन सेकंड एक मिनट ऐसे कैसे कैसे नहीं बोल सकते जस्ट टेल मी N3 है N1 N2 से बड़ा है N2 N1 से बड़ा है राइट T3 T2 से बड़ा है T2 T1 से बड़ा इतना समझ में आया नहीं सर N3 T3 N2 T2 से बड़ा है अरे हाँ सर यही वो रिजल्ट हाँ वही सर इंडिपेंडेंट ये रिजल्ट भी निकल गया अगर ये रिजल्ट वैलिड है तो N3 T3 N2 T2 से बड़ा हो भी सकता है नहीं सर ये सही है बट इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता क्या हाँ सर वही ये सही है बट इसका कॉन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता That because you will take something in negative or something in very decimal amount, right? But लेकिन अगर आप सारे n1, n2, n3 को 2, 2, 2 ले लो and then you change. अरे one second, why can I take it 2, 2, 2 जब तेरे को बड़ा ही लेना है तो? अरे sir, but हमें n3, t3 greater than n2, t2 आया ना हमें तो वो result से verify करना है। Question में हमें जो दिया है वो result है या वो? हाँ वही तो sir, हमें तो right side वाला equation आया ना left side वाला तो आया नहीं हमें। सर इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है जो आपके उसमें नहीं है कंडीशन में ऑल केसेस ये केस हो जाएगा जो आपने बनाया यस सर दूसरे भी करेक्ट हो सकते हैं दूसरे भी करेक्ट हो सकता है सिर्फ यही करेक्ट नहीं हो गिव मी अ मिनट तुम्हारे कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स जो कि जीरो से लेके इंफिनिटी तक जा सकता है टेंपरेचर जो जीरो से लेके इंफिनिटी तक जा सकता है करेक्ट उस कंडीशन में अगर मैं ये डालूंगा और ये कंडीशन अपने आप डिराइव नहीं होगी तुम ये कह रहे हो राइट नहीं सर सर हम कह रहे हैं कि राइट वाली है लेकिन लेफ्ट वाले के लिए और भी केसेस हो सकते हैं हाँ सर इक्वालिटी भी कहीं भी होल्ड कर सकती है हाँ सर अच्छा अगर N1 T1 लोगे माय गॉड TV इज इक्वल टू N1 P1 is equal to N1 RT1 हो गया P2 is equal to N2 RT2 हो गया करेक्ट यस सर अगर N1 से बड़ा है T2 T1 से बड़ा है तो P2 V2 जो है वो P1 E1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा मुझे बता दो सर आप सही कह रहे हैं सर आप वो बात सही कह रहे हैं सर पर अगर N1 और N2 इक्वल है एंड T2 ग्रेटर है सर आपने पहले दोनों को इंडिविजुअली मान लिया ग्रेटर पैसा दिया है मान लिया तो ये सही है कि नहीं है
ये सर फिर करेक्ट है सर, हमें लगा कि आपने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन लग रहा था वो स्टेटमेंट। ये सर भाई सर हमें दोनों ये लग रहे थे सर। मैं ये कह रहा हूँ कि वेट सर अब हो गया सर, सही है अगर ये गिवन है क्वेश्चन में फिर ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये कंडीशंस हैं और ये ग्राफ है, तो इन कंडीशन के हिसाब से ये ग्राफ सही है कि नहीं है? हाँ सर सही है, सही ये है, सर फिर सही है। हमें लगा कि हाँ, ग्राफ दिया और नीचे ये कंडीशन को चेक करना। नहीं जी वो नहीं चेक करना क्योंकि उस केस सही है, ट्रू है ये। उस केस के अंदर तो मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है, उस केस के अंदर तो कहाँ से ठीक होगा वो, कि अगर T3 बहुत ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू क्या नाम है N3 से। हाँ सर वही कह रहे थे, हाँ सर वही कह रहे थे हम लोग तब से। वन सेकेंड, ये कंडीशंस है, ये कंडीशन इस पर लग चुकी हैं, ठीक है, तो ये ग्राफ सही है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है सर। ग्राफ सही है, तो अगर ये कंडीशन के हिसाब से ये वाला ग्राफ सही है कि नहीं है? सर सही है, सही है सर। मतलब जो भी दिया वो कंडीशंस है क्या? हाँ ये कंडीशंस है जो लगी हुई है इस पे। ये रिजल्ट्स लगे सर? सर मुझे लगा रिजल्ट्स है और वो चेक मैं चेक करना है। ये पूरा एक क्वेश्चन है तो मैं ये बता रहा हूं कि इस कंडीशन के साथ ये ग्राफ सही है कि नहीं। नहीं है सर, रॉन्ग है। ये सही है कि गलत है? सर रॉन्ग है, डी रॉन्ग, डी रॉन्ग है सर। हाँ क्योंकि उल्टा होना चाहिए राइट। यस सर, यस सर, पे डिपेंड करता है। ओह माय गुडनेस, पी इज इक्वल टू एन आर डी बाय वी, करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स एंड टेंपरेचर कांस्टेंट है तो ये पूरा चीज कांस्टेंट है, करेक्ट। यस सर, यस सर। पी को डाला वाई एक्सिस पे, 1 बाय वी को डाला एक्स एक्सिस पे और ये आ गया कांस्टेंट के, तो कौन सा ग्राफ आ गया? स्ट्रेट लाइन कर्व, राइट? यस सर, यस सर। स्लोप क्या है? एनआरडी, करेक्ट। यस सर, तो जितना बड़ा स्लोप होगा उतना ज्यादा टेंपरेचर बड़ा होना चाहिए। यस सर, यस सर। तो T4 ज्यादा होना चाहिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? T1 ज्यादा है, तो सही है गलत है? गलत है सर, गलत है। इसको स्ट्रेट लाइन देख के मार्क कर दिया सही। क्या कह रहा है? इसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन देख के मार्क कर दिया मैंने इसको सही। हाँ तो उसमें कंडीशन भी तो देखने बेटा। ओके गाइस यहाँ आते हैं। सर ये भी गलत है, सर गलत है, गलत है। इसका नेगेटिव होना चाहिए था। यस सर, पीवी इज इक्वल टू एनआरडी, राइट? यस सर, एनएनटी कांस्टेंट है तो लॉग लगा लो, लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग के, करेक्ट? Yes sir. Yes sir. So, log P is equal to minus of log V log, log K. Yes sir. So, y-axis intercept. You get x-axis. You get y-intercept. Correct? Yes sir. So, slope bhi negative hona chahiye tha aur y-intercept positive hona chahiye tha. So kuch yes, is type of graph aata. Correct? Yes sir. Yes sir. So ye graph wrong hai. Galat hai sir. इधर सर करेक्ट है, इधर करेक्ट है, ट्रू है। यस सर करेक्ट। ये सही है सर, सर वो भी करेक्ट है। ये सर ये फॉल्स है, गलत है। क्यों गलत है? उल्टा होगा सर, या इट शुड बी रिवर्स। सर गलत है, रॉन्ग है सर, इसमें भी उल्टा होना चाहिए। सही है सर, करेक्ट है, ये भी सही है सर। सही है, ये सही है गलत है? सर सही है शायद, सही है सर, सही है सर, सही है सर। हाँ सर, यस सर, यस सर। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना?
जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पी पे, इनवर्स ऑफ पी पे. इनवर्स ऑफ पी पे, अगर स्लोप छोटा हो तो प्रेशर ज्यादा होगा, बड़ा होगा. बड़ा होगा सर. डन. यस सर. यस सर. हां फाइनली चलें आगे. हां सर. यस सर. सर एक मिनट, ऊपर वाले का एच दिखा. यस. हो गया सर. ना सुनो, इस कंटेनर के अंदर ना जैसे टेम्परेचर टी ले लो, वॉल्यूम वी ले लो, ठीक है. इस कंटेनर में आई हैव हीलियम एंड मीथेन. At the ratio of number of moles, ratio of number of moles, कितना है इसका? इसका number of moles एक ले लो, इसके number of moles आठ ले लो, ठीक है. ये दो orifice हैं. इस orifice का जो radius है that is 1 millimeter. इस orifice का जो radius है that is 2 millimeter. इस orifice से let's say दोनों gases निकल रही है दोनों orifice से. तो मुझे रेट ऑफ एस्केप ऑफ हीलियम फ्रॉम ऑरिफिस वन टू द रेट ऑफ एस्केप ऑफ मीथेन फ्रॉम ऑरिफिस टू चाहिए. फ्रॉम वन एंड दिस इज फ्रॉम टू. सर इसके पिछले वाले का लास्ट का बताऊं कैसे किया? दोबारा बोलो बेटा. सर लास्ट वाला इसका. अच्छा सर. के सर. के क्या? के वाला बताऊं? यस सर. देखो यार, वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स को प्लॉट कर रहा हूं, तो वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स को प्लॉट कर रहा हूं. आर टी एन पी ना कांस्टेंट है. अगर ये कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो गया, तो स्ट्रेट लाइन करवाया. हां सर. pH 4 और कौन सी गैस थी? इक्वल टू K हीलियम. हीलियम K क्या है तुम्हारा? RT / P दैट इज स्लोप. तो जितना yes. बड़ा स्लोप होगा उतना प्रेशर क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा. अबे जितना ज्यादा स्लोप हुआ ये स्लोप है. सॉरी yes, कम होगा. कम होगा तो वही है. ये स्लोप छोटा है तो प्रेशर बड़ा होगा. Right? अच्छा. यस सर. थैंक यू सर. ओके. हाँ लिसन, ये निकालना. सर 1:16 है क्या? देखना पड़ेगा. अभी बनाया क्वेश्चन. दिस अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन. यस सर. भैया सर नंबर ऑफ मोल्स के और इनवर्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. आई एम नॉट. हां सर. करेक्ट. यस सर. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दैट टेंपरेचर कांस्टेंट तो बाहर में गया. मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ ऑरिफिस पे डिपेंड करेगा, और जो पार्शियल प्रेशर होगा वो नंबर ऑफ मोल्स रेशियो जितना ही होगा. Yes, sir. Yes, sir. Right? So, rate of escape of helium from the first container will be equal to number initial number of moles of helium kitna? 1. Yes. Into area of orifice kitna hai? Sir, 1 mm square. Matlab baki sab kat jayega sir. Ha, wo theek hai. Under root of molecular mass, that is kitna? 4 sir. 4. Rate of escape of methane from second is directly proportional to?
सर 8 इनटू पाई इनटू 2 स्क्वायर अपॉन रूट 16 कोई डाउट नो सर दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा पाई पाई गया 16 ऊपर आ जाएगा 4 आएगा 2 आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय 8 इनटू सर 8 इनटू 4 होएगा तो 1 इज टू 16 हो जाएगा 16 तो 1 इज टू 16 आया सही आया सबको इतना आया इसे रिपीट सर यस सर करेक्ट यस आगे चलें यस सर लिख लिया इतना हाँ सर हाँ सर कूल 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 आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर वो प्रेशर 180 एम दिया था क्या हाँ हाँ वो आपने प्रेशर कहाँ दिया था बड़ा वो प्रेशर हमने नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल लिया ना बिकॉज़ कंटेनर के अंदर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन करेक्ट यस सर जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो एंड नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सेम ही होगा ना हां ओके लिसन गाइस यहां पे मैंने हीलियम लिया यहां पे मैंने मीथेन लिया हीलियम लिया मैंने लेट्स से एक मोल और मीथेन यहाँ पे लिया 64 मोल कितना 8 स्क्वायर दो ऑरिफिस के बना है एक ही ऑरिफिस है ठीक है ये ऑरिफिस में मैंने एक स्टॉप कॉक लगा रखा है जो कि एक और कंटेनर के साथ जुड़ा हुआ है अगेन एक और स्टॉप कॉक है लास्ट कंटेनर में रेशियो फाइंड करना है हाँ अच्छा दूसरे कंटेनर में जुड़ा हुआ अगेन ऐसे करते करते बहुत सारे कंटेनर्स हैं ठीक है द क्वेश्चन इज What should be the number of moles of helium to the number of moles of methane present in, let's say, 38th container? So I want to calculate the ratio of number of moles of helium and methane in 38th container. So 38th container mein number of moles ka ratio kitna hoga? Sir, 2 to power 32. 2 की पावर 32 सर बाय 2 उसको बाय 2 भी करेंगे ये कौन है रे वन सेकंड सेड अगेन 2 की पावर सर एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई आप थोड़ी सी गड़बड़ कर ले अच्छा 13 गाइस इतना समझ में आया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इन 38 कंटेनर विल बी इक्वल टू The rate of escape of helium to the rate of escape of methane from 37th container. Yes, sir. उतना 37th container में जाएगा, जा रहा हो, से जाएगा, उतना ही 38th container में accumulate होगा. Yes, sir. That will be equal to initial number of moles of helium, initial number of moles of methane, divided by under root of molecular mass of helium. To the under root of molecular mass of methane raised to power कितना? 38 ना ना 37 यहाँ से वो निकल रहा है correct तो what is the initial number of moles 1/64 correct sir 38 और 37 का क्या क्या वापस बताओ बेटा 38 नंबर ऑफ मोल्स उतने ही प्रेजेंट होंगे जितने 37th कंटेनर से निकल रहे होंगे यस तो रेट ऑफ एस्केप ऑफ 37th कंटेनर का डायरेक्ट फार्मूला क्या था इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो अपॉन इनटू मॉलिक्यूलर मास के अंडर रूट का रेशियो रेज टू पावर 37 जिस कंटेनर से निकल रहे हैं राइट तो आ गया √16/√4 की पावर 37 करेक्ट
डन यस यस सर यस सर प्रसन्ना आई आस्क दैट हाउ मच नंबर विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रेशियो इन द 38 कंटेनर जो जो 38 कंटेनर में देखो यार जितना पहले कंटेनर से निकल रहा होगा उतना ही सेकंड कंटेनर में आएगा जितना सेकंड कंटेनर से निकल रहा होगा उतना ही थर्ड कंटेनर में आएगा तो जो 37th कंटेनर से निकल रहा होगा उतना ही 38 कंटेनर के अंदर आएगा यस सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इन द 38 कंटेनर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एस्केप ऑफ हीलियम एंड टू द रेट ऑफ एस्केप ऑफ मीथेन फ्रॉम 37th कंटेनर which is equal to number of moles of helium to the number of moles of methane initial into under root of molecular masses raised to power 37 because 37 container se nikal raha hai sir wo formula kaise aaya wo batao na kaun sa wala formula beta ye yes sir okay ek baat batao सेकेंड कंटेनर में क्या कितना आएगा शैल आई से द रेट ऑफ एस्केप ऑफ हीलियम टू द रेट ऑफ एस्केप ऑफ मीथेन फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर कितना यस सर यस सर नहीं कितना इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बाय द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन करेक्ट यस सर मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम इनटू मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन करेक्ट यस तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पार्शियल प्रेशर का रेशियो कितना हो जाएगा 1/64 इसको करोगे तो इनटू 2 आ जाएगा करेक्ट यस यहां पे जो तुम्हारा रेशियो आया हीलियम वर्सेस मीथेन का वो आया 1:32 कोई डाउट नो सर तो सेकंड कंटेनर से कितना निकलेगा रेट ऑफ एस्केप ऑफ हीलियम फ्रॉम द रेट ऑफ एस्केप ऑफ मीथेन फ्रॉम सेकंड कंटेनर अब पार्शियल प्रेशर का रेशियो कितना होगा जब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 1:32 1:32 ही होगा यस सर इनटू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 4 इनटू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 16 दोबारा से गया कितना आया 1/16 है ना यस सर 1/32 कैसे आया था मैंने इसको दोबारा लिख लेता हूं 1/32 आया था इसको इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इनटू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इनटू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम ये तुम्हारा 1/32 था जिसको दोबारा से तुमने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास से करेक्ट यस सर मतलब अगर सेकंड कंटेनर की बात करूं तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही ले लो इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास को अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास को क्या स्क्वायर कर दो यस अगर nth कंटेनर की बात करूं तो ये सेम रखो और इसके ऊपर जो पावर आएगा उसको n कर दो यस तो अगर 37 कंटेनर से निकल रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 और यहां पे जो लूंगा मैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ही लूंगा यस समझा समझा ओम बिकॉज दैट डजंट क्रिएट अ पर्टिकुलर सेंस वन बाय वन करोगे तो रेट ऑफ एक्युमुलेशन पे तुम ध्यान दे सकते हो राइट आगे चलें गाइस यस यस सर क्या यस सर यस सर यस सर Okay, now listen. GP formula wala question alag tha beta. That was many container were there combining and they opened it all. नहीं सर ये formula जो है ना वो GP के formula से ऐसे compare किया तो same ही है type of सिमिलर आएगा वो ए इनिशियल टर्म प्लस कॉमन रेशियो सेम ही आएगा ठीक है ठीक है हां सर ओके यस गिव मी अ मिनट राइट अह
ओके गाइस आई विल जस्ट स्क्रीन शेयर ठीक है टू अनदर डॉक्यूमेंट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर दैट ठीक है कैन यू सी दैट यस सर यस सर नाउ द क्वेश्चन नंबर वन कैन यू ट्राई दैट आउट Yeah. Shall we start? सबसे पहले क्या किया तुमने? PV equal to energy. सर B है क्या? देखना पड़ेगा बेटा. PV is equal to nRT लिया होगा, correct? अगर एक मोल बोल रहा है तो PV is equal to RT आ जाएगा, कोई doubt? dp by dt at constant volume कितना होगा r by v yes yes sir dv by dt at constant pressure कितना होगा r by p p कोई doubt अरे कोई डाउट नो सर नहीं सर डीवी बाय डीटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर डेल्टा है ठीक है डीवी बाय डीटी डीपी एट कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट टेंपरेचर आर कांस्टेंट डीवी बाय डीपी पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे डीपी डीवी बाय डीपी सर डिवाइड बाय वी स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर both sides p is equal to rt by v लिख लो है ना तो dv by dv कितना आ जाएगा minus rt by v square yes sir correct तो इन तीनों को multiply करना है तो r by v into r by p into minus rt by v square कोई doubt सर लास्ट वाला फिर डीवी बाय डीवी है ये तो डीवी बाय डीपी निकला ना लिखना है ना तो हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाय आरटी कोई डाउट नहीं सर तो अब मुझे बताओ आर से आर गया वी से आपने सही किया था नहीं किया था ये डीवी बाय डीपी पूछा है मैंने डीपी बाय डीवी निकाला ओके सर गेटिंग इट हां सर और अब मुझे बताओ क्या आएगा इसमें फाइनली माइनस आर वी बाय पी टी कोई डाउट अरे कोई डाउट बेटा नहीं सर अच्छा एक बताओ किसकी टर्म्स में पूछा आर एंड पी की टर्म में पूछा तो ये बताओ वॉल्यूम को क्या पुट करोगे आर टी बाय पी क्या आएगा सर मैं माइनस साइन भूल गया क्या कह रहा है और इसे सर इसमें मैं माइनस साइन भूल गया इसलिए बी बोला ओके बट एनीवे आप थर्ड पार्ट फिर से बताइए कौन सा वाला पार्ट थर्ड पार्ट दिस वन सर आपने थर्ड वाला सॉल्व किया ये वाला यस सर देखिए मैंने P को RT by V लिखा कोई डाउट नो सर तो RT कांस्टेंट है तो DP by DV कितना हो जाएगा माइनस RT by V स्क्वायर सर समझ गया सर ये PDF शेयर करो
कर देता हूँ, ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, और कुछ आई शेयर इट, ठीक है? आई गेस आई वुड हैव शेयर्ड इट ऑलरेडी. सर ये कौन सा वाला है? गैसेस स्टेट करके भेजा होगा मैंने. पर आज भेजा था क्या आपने? ना ना, पहले भेजा हुआ है. चलो कोई नहीं, दोबारा भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गाइस ये बताओ, और उसके बाद ऊपर वाला भी, पहले तीसरा बताओ. तीसरा, आई एम वेरी फाइन टू एक्चुअली लुक एट इट. अच्छा क्या लिखा है? इंट्रामोलिक्यूलर. जब इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस पानी के अंदर से निकल जाएंगे तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? वाटर सॉलिड. एक मिनट, गैस बन जाएगा. कितना मोल ऑफ गैस है? 0.1 मोल. सर एक मिनट, समझा नहीं मुझे. कह रहा हूँ कि अगर वाटर लिक्विड होता है, राइट? हाँ. अगर मैं लिक्विड के अंदर से सारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हटा दूं, हाँ, तो वो स्टेट कौन से कन्वर्ट होगी? गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा, करेक्ट? यस. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, कितना मोल है वाटर का? 0.1. 0.1 मोल जो है वाटर का, वो कैसे एग्जिस्ट करेगा गैस में? तो 0.1 मोल गैस एचटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 2.24 लीटर. शक्कर क्या है? वो पुराना पीडीएफ है, पुराना है, ठीक है? SO2 का आरएमएस वैल्यू निकालो जल्दी. URMS का फॉर्मूला क्या होता है? टेम्परेचर कितना लोगे? 300 केल्विन. आर क्या लोगे? 8.2. एम नॉट क्या लोगे? 64. कितना? 64 क्या? AMU. ये ग्राम्स है, मॉलिक्युलर मास. हाँ. तो ग्राम केजी में तो मॉलिक्युलर मास है. SI क्या है एम नॉट का? -3. करेक्ट करेक्ट. मोलर मास है सर यहाँ पे. वो व्हाट इज दैट सर? मॉलिक्यूलर मास नहीं लेते? हाँ, वो एम नॉट मॉलिक्यूलर मास होता है, बट प्लीज पुट दैट इन केजी सर. तो फिर वो 6.022 से डिवाइड होगा ना. क्या कह रहे हो बेटा? सर आपने मोलर मास लिया ना? हाँ बेटा, SO2 का मोलर मास कितना होता है? 64 ग्राम्स होता है कि नहीं होता है? यस. तो उसको केजी में डालना पड़ेगा कि नहीं पर डालना पड़ेगा, जब सब कुछ मीटर पर सेकंड में चाहिए तो? यस. तो उसको केजी के अंदर डाला. कोई डाउट सर? पिछले क्वेश्चन में लोग गलती करते हैं, 64 डायरेक्टली लेके काम खत्म कर देते हैं. गेटिंग इट? यस. तो आंसर क्या आएगा इधर? अंडर रूट 0.1168 इनटू 10^2 तो लिख लो. 30 × 3 90. 90 × 8 कितना? काट दो ना, 2 32 16 से थोड़ा सा कम, तो इतना आएगा सर 0.341. क्या बेटा? 10^-3 नीचे है, तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे हाँ, मैंने डिवाइड कर दिया, सॉरी. हाँ ना, तो अंडर रूट के अंदर जो चीज बचेगी वो क्या बचेगी? दैट विल बी 30 × 8.31 × 3 / 64. करेक्ट? मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 से काट दिया था इसको. 8 × 3 = 24. करेक्ट?
अप्रोक्सीमेटली 12, 13, 14 को जाएगा, उसका अंडर रूट कुछ इतना ही आएगा। सर यही है सर। हाँ यही है, यही है। अंडरस्टूड हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला? यस सर। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। तो एक काम करो, इतना ही अगर हम नॉर्मल ग्राम्स में लेते तो 0.0821 ले सकते थे ना, आर या 0.8। कि कभी भी आरएमएस निकालने के लिए कोई भी फालतू यूनिट नहीं लोगे, सिर्फ ऐसा ही लोगे, गेटिंग इट? ऐसा ही लेनी है अपने को। इसके नीचे वाला करना आरएमएस स्पीड ऑफ गैस एट 300 केल्विन इज √3 √r एंड दैट दे आस्किंग इन किलोग्राम पर मोल। ओके आर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। या आंसर विल कम आउट टू बी 100। सी सबका आया 100, √3 r t by m naught = √3 √r, r से r गया, 3 t by m naught = 9, t is 300, तो m naught आ गया 100, एंड एम नॉट के जी के अंदर है, तो के जी पर मोल पूछ रहा है, देख रहे कितना शार्प है ये बंदा भी। तो इसने भी के जी में पूछा ना आंसर, है ना? यस सर। या आगे चलें गाइस। यस सर। On recent discovery, discovered 10th planet, it has been found that the gases follow a relationship P e की power। सही पेपर का क्वेश्चन है। पेपर में आया था। हाँ सही पेपर में आ चुका। Yes sir। कर लिया था तुम लोगों ने? Yes sir। So इसके जो second question उसमें fault था पेपर में। इसमें नहीं होगा। हाँ। ठीक है। Try कर लेना। मैं भेज देता हूँ उसको, है ना? Yes sir। बट रेल गैस मत उठाना, वो कंप्रेसिबिलिटी जेड क्रिटिकल रिफ्रैक्शन और वो सब से दूर रहना, ठीक है? बाकी सब ठीक है। कौन से पेपर की बात? पीडीएफ है, पीडीएफ भेज दूंगा सर। सेवर्ड्स के इंटीग्रेटेड में भेज दूंगा। क्या? सेवर्ड्स के इंटीग्रेटेड ग्रुप में भी भेज दूंगा, है ना? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन। देखा अच्छा, फ्रॉम दिस कर्व कैन आई से आई कैन डिराइव अ इक्वेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर? बिकॉज़ यस सर। यस सर। यस सर। राइट, वाई एरा एक्स एरा, तो रिमेंबर वाई माइनस फर्स्ट जो इक्वेशन के लिए उसके लिए ट्रायल एंड एरर यूज करके हो जाएगा ना, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उससे। हां जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें वैल्यू पुट करके, जैसे एन की वैल्यू अगर मैंने
थ्री पुट करती है सर बी है इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की मैं क्या पूछ रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना आता है हाँ सर कैसे निकालते हैं सर y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू y इसमें n है तो इसमें दो वैल्यूज दे रखी हैं ठीक है हाँ सर इससे स्लोप निकाल लेंगे ले लो इसको n2 t2 ले लो कोई डाउट नो सर नो सर करो n माइनस n1 लेके जाओगे t माइनस t1 लाओगे इज इक्वल टू इसका स्लोप क्या होगा सर आपने उल्टा ले लिया ना टी और करना चाहिए हाँ हाँ मैंने उल्टा ले लिया इसको एन वन ले लो टी वन ले लो इसको एन टू टी टू ले लो तो एन माइनस एन वन बाय टी माइनस टी वन इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाय टी टू माइनस टी वन कोई डाउट Guys, guys, please say नहीं है doubt. Sir, 300 को n1 क्यों ले? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? Sir, just to satisfy something, minus 100 by t2 minus t1, one. कोई doubt? Guys, no sir. N minus 2 नहीं होना. N-3 N-2 T-300 = 3-2 / 200 - 300 Good out. आप ये एक्सप्रेशन कैसे लिख अरे वो स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट्स दे रखे हैं राइट तो y माइनस y1 बाय x माइनस x1 y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 ये स्लोप होता है ना यस सर हाँ तो इसी को यूज किया हम लोगों ने गॉट इट या सर Done. You will get, I guess, this you will get. Yes. Okay. Yes. Chalo, we'll do one thing. We'll wind up here. I'll send you this. Theek hai? Okay, sir. Okay, take care. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. हेलो सर